नींद। हम सब ये बात जानते हैं कि नींद हमारे लिए और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी जरूरी है। पर क्या होगा अगर कोई इंसान पूरे 30 दिन तक नॉनस्टॉप बगैर सोते हुए बिताए तो? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड आई सेड 30 डेज। कोई सेम पर्सन को भी अगर हम बोले ना कि 30 डेज तक बगैर सोते हुए जाग के दिखाओ, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा। जब हमें बहुत तेज नींद आती है, हम ऑटोमेटिकली डोज ऑफ हो जाते हैं, नो मैटर कि आप कितना भी कोशिश करें स्लीप कंट्रोल करने की। एक एस्टिमेशन के अनुसार एक पर्सन 5 to 7 डेज तक हेल्दी रह सकता है बगैर सोते हुए, अगर वो पर्सन बहुत हेल्दी होगा तो। आज मैं आपको एक ऐसे हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर डेविल दानव होते क्या है। बट एज एंड ओनली वेन अगर आप इस कहानी पे बिलीव करते हो तो। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। पुराने जमाने में लगभग 1940s में सोल्जर्स वॉर के टाइम एक्टिव रहने के लिए और नींद कंट्रोल करने के लिए एक सीरम या केमिकल का इस्तेमाल करते थे, जो उन्हें 3 to 4 डेज तक अवेक रखने के लिए हेल्प करता था। सो द ग्रुप ऑफ रशियन रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया इन 1940s टू फाइंड आउट अ केमिकल और सीरम जो सोल्जर्स को 30 दिन तक अवेक रहने के लिए हेल्प करे, एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज सैंक्शंड बाय द रशियन मिलिट्री। देन उसके बाद साइंटिस्ट ने एक गैस बनाया जो 30 दिन तक अवेक रहने के लिए हेल्प करे। पर जब भी किसी नए केमिकल का निर्माण होता है तो उसे ह्यूमन पर टेस्ट किया जाता है। पर इन सस्पेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं होती, बिकॉज प्रिजनर्स इस काम के लिए बहुत इजीली मान जाते हैं। सो साइंटिस्ट ने 5 प्रिजनर्स को जेल से मंगवाया और उन्हें फिर कहा गया कि तुम ये एक्सपेरिमेंट पास करो, हम तुम्हें इमिजिएटली जेल से आज़ाद कर देंगे। पर ये साइंटिस्ट ने एक झूठ बोला था, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए। फिर एक्सपेरिमेंट चालू करवाया गया। उन प्रिजनर्स को एक बंद गैस चेंबर में रखा गया विद द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दैट इन्वेंटेड गैस। पहले 3 दिन उन सस्पेक्ट्स को कुछ भी नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि वाह क्या एक्सपेरिमेंट है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है और हम एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद यहाँ से आज़ाद भी हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं डे 5 पर। 5th डे पर उन 5 सस्पेक्ट्स की बातें डार्कर होने लगी। वो लोग लाइफ के डार्क साइड की बातें करने लगे। लाइफ में उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं या उनके साथ जो भी गलत हुआ है, वो सस्पेक्ट्स पूरा 5th डे निगेटिव बात ही करते रहे। साइंटिस्ट ये बात माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे थे जो उन्होंने चैम्बर में लगाया था। साइंटिस्ट अब वरिड हो गए थे कि ये इतना डार्क बात आखिर कर क्यों रहे हैं। पर फिर कुछ दिन बीत गए। साइंटिस्ट खुश हो रहे थे ये सोचकर कि कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ, मीन्स हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और हम बाकी कंट्रीज से अब बहुत आगे निकल जाएंगे, बिकॉज हमारा केमिकल तो अब 30 डेज तक अवेक रखेगा। बट अगली सुबह डे 9 थिंग्स बहुत ही हॉरिफिक हो गई थी। एक सस्पेक्ट अपनी जगह से यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए दौड़ने लगा और वो इतने जोर से चिल्लाए कि उसका वोकल कॉर्ड जो होता है वो ब्लास्ट हो गया और वो वही डेड हो गया। साइंटिस्ट अब बहुत वॉरिड हो गए थे। अगली सुबह बाकी 4 सस्पेक्ट्स भी यहाँ वहाँ दौड़ने लग गए और बहुत जोर से चिल्लाने लगे, और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन चैम्बर में एक्सट्रीम साइलेंस हो गया, उन लोगों का कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। साइंटिस्ट को ये लगा कि वो पूरे सस्पेक्ट सब मर चुके हैं, लेकिन जो ऑक्सीमीटर चैम्बर के बाहर लगाया था वो फ्लक्चुएट हो रहा था, मीन्स ऑक्सीजन इन एंड आउट हो रहा था। दैट मीन्स कि सस्पेक्ट अभी भी अलाइव थे। साइंटिस्ट अब बहुत डर गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करना चाहते थे। ऑन डे 15 हालत इतने बदतर हो गए कि उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप करना ही पड़ा। पर साइंटिस्ट को चैम्बर खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मिलिट्री फोर्स बुलाया और चैम्बर में अनाउंस किया गया कि हम चैम्बर खोल रहे हैं, तुम लोग चुपचाप हाथ खड़े करके एक जगह बैठ जाना, अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो हम उसे सीधा गोली मार देंगे। फिर चैम्बर खोला गया और खोलने के बाद देखा गया कि हालत बहुत ही खराब थी, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। जब चैम्बर खोला गया तब साइंटिस्ट ने देखा कि सस्पेक्ट्स ने अपनी ही फ्लैश खा चुके थे, अपने ही मसल्स टीयर ऑफ कर चुके थे और बॉडी के सारे ऑर्गन्स बॉडी के बाहर निकाले हुए थे। और जो फर्स्ट सस्पेक्ट
जो कि मर चुका था, उन्होंने उसे भी खा लिया था। साइंटिस्ट ये देख बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। एक्चुअली वो लोग सोच रहे थे कि हमने 30 दिन का खाना पानी सब चैम्बर में प्रोवाइड किया था, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर सब सस्पेक्ट चिल्लाने लगे, आई वॉन्ट गैस, प्लीज एक्सपेरिमेंट बंद मत करो। फिर सोल्जर्स ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की कि सस्पेक्ट्स ने सोल्जर के हाथ पैर काट दिए। उस दिन 5 सोल्जर्स की ये हादसा चलते मौत हो गई और एक सस्पेक्ट हार्ट फेल्यूर के चलते मर गया। अब बचे थे 3 सस्पेक्ट्स। उन सस्पेक्ट्स को मॉर्फिन और एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देकर हॉस्पिटलाइज किया गया। एक सस्पेक्ट हॉस्पिटल चलते ही मर गया। अब बचे थे सिर्फ 2 सस्पेक्ट। डॉक्टर्स ने एक बात नोटिस की कि सस्पेक्ट्स में एक इनक्रेडिबल रेजिस्टेंस आ गया था ड्रग्स एंड सिडेक्टिव के लिए, और उनमें एक अनइमेजिनेबल एबिलिटी थी जिंदा रहने की इतनी इंजुरीज के बावजूद भी। रिसर्चर्स ने एक बात नोटिस की कि सस्पेक्ट्स इंस्टेंटली मर जा रहे थे अगर उन्हें नींद आ रही थी तो। ईईजी मॉनिटर्स ने रिवील किया कि 2 सस्पेक्ट्स जो अलाइव थे वो ब्रेन डेड थे। थिंग्स अब बहुत ज़्यादा हॉरिफिक होने लग गई थी। फिर अगले दिन एक नर्स एक सस्पेक्ट की स्टिचिंग कर रही थी, तभी वो सस्पेक्ट कुछ कहने की कोशिश कर रहा था तो नर्स ने उसे एक पेन और पेपर दिया और उसने जो लिखा वो बहुत ज़्यादा डरावना था। उसने पेपर पे लिखा था कि कीप मी कटिंग कंटिन्यूसली, यानि मुझे काटते रहो लगातार वरना मुझे नींद आ जाएगी। और जो दूसरा सस्पेक्ट अलाइव था उसका इलाज करते हुए वो डॉक्टर से लगातार कह रहा था कि आई वॉन्ट दैट गैस, इट्स रियली अ गुड स्टफ। तब डॉक्टर ने उसे पूछा कि क्यों चाहिए तुमको वो गैस। देन उसने कहा टू स्टे अलाइव, यानि जगे रहने के लिए। डॉक्टर्स को ये पता चला कि मानो वो सस्पेक्ट उस गैस से एडिक्टेड हो चुके हैं। फिर मिलिट्री का हेड विजिट किया और उसने कहा कि बचे हुए 2 सस्पेक्ट को वापस गैस चैम्बर में डालो, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करो। फिर वापस वो गैस चैम्बर तैयार किया गया विथ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ दैट गैस। पर चैम्बर में जाकर ही एक सस्पेक्ट की डेथ हो गई नींद के चलते, बिकॉज वो सो गया था। अब बचा था ओनली 1 सस्पेक्ट, उसे गैस चैम्बर में डाला गया और वो चैम्बर में जाकर गैस इनहेल करके बहुत जोर से हंसने लगा, मानो कि कोई डेविल हंस रहा हो। उसकी हंसी दानों वाली थी। फिर उसको देख डॉक्टर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने गैस बंद किया, चैम्बर खोला, अंदर गए, गन निकाली और सस्पेक्ट को बोला कि बताओ तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तभी सस्पेक्ट ने बोला कि हम तुम एक है, हम सब एक है, हम वही है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर होते हैं, हम वही है जिसे तुम रात के अंधेरे में महसूस कर सकते हो। और जस्ट इतना बोलने के बाद डॉक्टर ने उसे शूट कर दिया चेस्ट पे 2 गोली मारकर, और ये हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट यही खत्म हो गया। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट रियल है या फेक ये किसी को भी नहीं पता, बट इसका ऑफिशियल विकिपीडिया पेज है इंटरनेट पर, विच वॉज रिलीज बाय अ पर्सन नेम ऑरेंज सोडा। पर उस इंसान का रियल नाम आज तक नहीं पता चला जिसने ये रिलीज किया। दैट्स वाई इसे एक क्रीपी पास्टा स्टोरी भी कहा जाता है, विच मीन्स स्टोरी जो इंटरनेट पर बहुत शेयर की हुई है। पर ये रियल है क्या फेक ये किसी को भी नहीं पता। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।